दोस्तों NITTR की वेबसाइट पर सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट जारी हो चुका है और इसमें हमने देखा है कि सिलेबस में डोमेन स्पेसिफिक या पोस्ट स्पेसिफिक क्या क्या सिलेबस दिया गया है। बात करें तो ASO और SO ग्रेड 2 की या SSA की, इनमें थोड़ा सा नई चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि UGC रेगुलेशंस, AICTE रेगुलेशंस। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे इस चैनल पर, जो टॉपिक्स नए हैं और जिनके स्टडी करने के रिसोर्सेज कम हैं या जिनको पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो मुश्किल आएगी। तो आज हम शुरू करेंगे UGC इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कि अभी मार्च में न्यूज आई थी कि NITTR को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और उसी के लिए इन्होंने सिलेबस में भी यह चीज़ डाल दी है ताकि आप जब उस ऑफिस को ज्वाइन करें तो अपने काम काज से ज़्यादा परिचित रहें पहले ही। हम जो पढ़ रहे हैं वो है रेगुलेशंस, ये रूल्स नहीं है, रूल्स अलग चीज़ें होती हैं। तो UGC इंस्टीट्यूट्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो रेगुलेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह वीडियोस बनती रहेंगी सिलेबस से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शुरू से ही ताकि कोई नई वीडियोस डलती रहें। तो इन वीडियोस को देखेंगे तो रिवीजन तो होगा ही और कुछ जो डाउट्स रह जाएंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यही देख लेना चाहिए कि 2 जून 2023 को यह जो नए रूल्स हैं ये इफ़ेक्ट में आए थे, तो 2 जून 2023 की डेट याद रखनी है। UGC एक्ट 1956 में जो आया था, 1956 की ईयर याद रखनी है। उस एक्ट से जो पावर मिलती है UGC के सेक्शन 26 और सेक्शन 12A से, उसको उस पावर का यूज करते हुए यहाँ पर UGC इन नियमों को जारी कर रहा है। इन नियमों के जारी होने के साथ ही जो UGC इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2019 आए थे उनका सप्रेशन हो जाएगा, यानी अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वही रेगुलेशन लागू रहेंगे, वही माने जाएंगे अलाइव। इन नियमों में हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है कि किसी इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर किया जाए कि वो इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, और किस लिए ये डिक्लेयर किया जाता है, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। सबसे पहले आता है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, और इसके पॉइंट 2 में लिखा है कि यह रेगुलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट पर लागू होंगी जो चाह रहा है कि उस इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए सेक्शन 3 के तहत। सेक्शन 3 किसका, एक्ट का, जो UGC एक्ट 1956 है उसके सेक्शन 3 के मुताबिक यह स्टेटस दिया जाता है। यह भी कहा गया है कि जो अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्ट पहले से ही यह क्राइटेरिया पा चुके हैं, यह स्टेटस पा चुके हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी का, उन यूनिवर्सिटियों को भी यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा जो रेगुलेशन 4A में लिखा है। ये पढ़ रहे हैं इसका जो फोर्थ रेगुलेशन है उसका पॉइंट 1 में जो लिखी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको फुलफिल करना जरूरी है विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशन। कमीशन अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगा, इस शब्द को याद रखना, अप्रोप्रिएट मेजर्स उन इंस्टीट्यूशन पर लेगा जो अपनी एलिजिबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कहाँ लिखी है, रेगुलेशन 4K1 में, ये भी याद रखना है। और ये रेगुलेशन कम इंटू फोर्स, कम इंटू इफेक्ट कब आई, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था 2 जून 2023 को आई थी। तो जो इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे उनको अपने रेगुलेशंस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या रूल्स में बदलाव करना होगा, इस तरह बदलाव करना होगा टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशंस, इन UGC के जो ये रेगुलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं इनके मुताबिक, इनका पालन करने के अनुसार उन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इन्हें अमेंड करना होगा। मतलब वो जो यूनिवर्सिटीज़ डीम्ड कर दी जाएंगी एक साल के भीतर भीतर उनको अपने MOA में चेंज कर लेना है, और इसकी रिपोर्ट वो कमीशन को भेजेंगे एक साल बाद, कमीशन मतलब UGC। अब इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस होंगी उनको भी मैं साथ बताते चलूँगा जिनको आपको याद रखना है नंबर उनका, कि इतने नंबर पे क्या लिखा हुआ था। तो 2 में डेफिनेशन है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए उस पर कोई कलर भी हाईलाइट भी नहीं है। अकेडमिक काउंसिल का जब जिक्र हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेगुलेशन 2023 में एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब क्या है या फिर सेंटर का मतलब क्या है,
एक्ट का मतलब क्या है, एकेडमिक काउंसिल किसकी काउंसिल रहेगी, जो इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उसकी एकेडमिक काउंसिल की बात होगी। एक्ट का मतलब यूजीसी एक्ट 1956 रहेगा। एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब वे कॉलेज जो रिकॉग्नाइज किए गए हों या एसोसिएट विद हों किसके, उस यूनिवर्सिटी के, जो इंस्टीट्यूशन डीम्ड हो जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए उसके जो कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड कॉलेज रहेंगे। बोर्ड ऑफ स्टडी का मतलब रहेगा इंस्टीट्यूशन के किसी डिपार्टमेंट का बोर्ड ऑफ स्टडी। डिपार्टमेंट का अपना बोर्ड ऑफ स्टडी रहता है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और वो उस डिपार्टमेंट के, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं ना ये, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी का, तो उनका बोर्ड ऑफ स्टडी आगे हम पढ़ेंगे जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब आगे वीडियो बढ़ेगी। कैंपस क्या होता है, जब भी कैंपस लिखा है तो आपको समझना है कि इसके अंदर मल्टीपल लोकेशन भी हो सकती हैं और सिंगल भी, जहाँ जहाँ पर इस ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर वगैरह हैं वो पूरा एरिया कैंपस ही माना गया है। सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी। चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर जैसे शब्द हों तो यह अधिकारी उस इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के ही हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का मतलब है मीन्स ए कॉलेज ऑपरेटिंग अंडर कंट्रोल ऑफ स्पॉन्सरिंग बॉडी। जो इस इंस्टीट्यूशन को, जिसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हो, इस इंस्टीट्यूशन की जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है उसके कंट्रोल में जो कॉलेज हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहा जाएगा, यानी ये कॉलेज उनके अंग हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मीन्स एन अकेडमिक यूनिट, स्कूल, सेंटर या डिपार्टमेंट जो भी हो, ये सब एकेडमिक यूनिट ही है उसकी। ऑफ द इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रपोजल, जब यह इंस्टीट्यूशन प्रपोजल भेज रहा है यूजीसी को, उस तारीख को उस इंस्टीट्यूट के जितने भी स्कूल, सेंटर या डिपार्टमेंट हैं वो उसकी एकेडमिक यूनिट कहलाएंगी या फिर कंस्टिट्यूएंट यूनिट कहलाएंगी। अब डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्या है, इसमें क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही किसी एक टीचिंग या रिसर्च पे, किसी एक फील्ड पे फोकस करके चलते हैं, उनके डिसिप्लिन्स यूनिक होते हैं, यानी जो जो कोर्सेस करिकुलम वो जो स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं वो यूनिक हैं, तो उनको दर्जा दिया जाता है डिस्टिंक्ट कैटेगरी का। ये जो इनके डिसिप्लिन्स हैं, ये जो कंट्री की कोई स्ट्रेटजिक नीड हो कि हमें ऐसा यूथ या ऐसी मैन पावर चाहिएगी फ्यूचर में, तो उस पर बेस्ड कुछ स्पेशल स्टडी करा रहे हो, या फिर इंडियन कल्चरल हेरिटेज के प्रजर्वेशन में कुछ इनके पास डिसिप्लिन्स हैं जिनमें वो पढ़ा रहे हैं, या इन्वायरमेंट के प्रजर्वेशन में, या फिर स्किल डेवलपमेंट में कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या स्पोर्ट्स और लैंग्वेजेस में हैं, तो ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट को डिस्टिंक्ट कैटेगरी में रखा जाएगा यूजीसी के द्वारा। तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, मतलब आपने आवेदन किया है अपने इंस्टीट्यूट के लिए और डिस्टिंक्ट कैटेगरी मांगी है तो ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसके लिए पहले चेयरमैन जो है कमीशन का यानी यूजीसी का, चेयरमैन एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा और फिर कमेटी अपनी सलाह देगी, तब डिस्टिंक्ट कैटेगरी आपको दी जाएगी विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समझ लेना। एक्सपर्ट कमेटी क्या है, ये एक कमेटी होगी जिसमें एकेडमिक्स और दूसरे क्षेत्रों के एक्सपर्ट होंगे। इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस कमेटी में होंगे, और यह कमेटी अप्रूव कौन करेंगे, चेयरमैन ऑफ यूजीसी के द्वारा इनका गठन होगा। इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इस पूरे रेगुलेशन में जहाँ भी इंस्टीट्यूशन है ना, 12वीं 10वीं का ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, केवल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की बात हम कर रहे हैं जिनको हम यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। आप जब भी इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी माने तो यह समझ लेना कि एक्ट के सेक्शन 3 के द्वारा उसको मान्यता दी गई है। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल, NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, और NEP तो सबको पता है, तो इन काउंसिल्स की, इन बोर्ड्स की जो रेटिंग्स होती है ना उसकी, उसका भी बहुत उपयोग है, तभी अभी आगे देखेंगे आपको समझ में आएगी चीज़ें। वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी पर पूरी चीज़ें कवर करेंगे धीरे धीरे। NIRF मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नोटिफिकेशन का मतलब रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है
ऑफिशियल गैजेट में इश्यू किया है, डिक्लेयरिंग एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ऑफ कैंपस का मतलब रहेगा कि जिस इंस्टीट्यूट को हम डीम्ड करने वाले हैं उसके प्रेमिसेस जो मेन कैंपस से दूर हैं। मान लीजिए कि मेन कैंपस इंस्टीट्यूट का किसी एक शहर में है लेकिन उसके छोटे छोटे या दूसरे सेंटर और कोई कॉलेज बाहर हैं उस शहर से, तो उनको ऑफ कैंपस कहेंगे। उसी तरह ऑफ शोर कैंपस हो तो ऑफ शोर का मतलब रहेगा उसके वो प्रीमिसेस जो इंडिया से देश से बाहर हैं। प्रोसेसिंग फीस का मतलब, यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस का मतलब है इंस्टीट्यूशन जो फीस पे करेगा कमीशन को जब वो अप्लाई करेगा अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनने के लिए, एक प्रोसेसिंग फीस होती है। स्कूल और फैकल्टी का मतलब है उस इंस्टीट्यूट की स्कूल या फैकल्टी। स्पॉन्सरिंग बॉडी का मतलब है वो बॉडी, अब वो बॉडी चैरिटेबल भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट सोसाइटी या फिर कोई ट्रस्ट हो सकता है या कंपनी हो सकती है जो उस इंस्टीट्यूट को चला रही है। कौन सा इंस्टीट्यूट? जो सबमिट करेगा एप्लीकेशन। अगर कोई कंपनी उसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी है तो वो कंपनी जो है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। तो स्पॉन्सरिंग बॉडी कितनी प्रकार की हो सकती है वही यहाँ पे बताया गया है, एक ट्रस्ट हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी हो सकती है या चैरिटेबल सोसाइटी होती है, ये कोई भी स्पॉन्सरिंग बॉडी हो सकती है उस इंस्टीट्यूट की। स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब है? एक कमेटी जो अकेडमिक्स और अदर एक्सपर्ट की होगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टैट्यूटरी बॉडी का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी पढ़ा था, और यह भी अप्रूव करेगा चेयरमैन। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? वो बॉडी है जो किसी कानून द्वारा बनाई गई हो, जैसे पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाई हो, फॉर डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है। अब एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे, AICTE, BCI, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो किसी भी हायर एजुकेशन के कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड पर नज़र रखती हैं, इनके नियमों के अंतर्गत ही वो कार्य करते हैं, तभी उनको किसी कोर्स को किसी डिसिप्लिन को चलाने के लिए परमिशन दी जाती है। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का नाम भी यहाँ पर है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, और या अन्य कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो जो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हो। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है आप समझ गए होंगे। टीचर का मतलब जब भी इस रेगुलेशन में टीचर शब्द दिखाई दे तो वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई एकेडमिक स्टाफ, इन सभी को टीचर कहा गया है इस रेगुलेशन में। इंक्लूडिंग, अब इसके अंदर इंक्लूड है, टीचर में ही इंक्लूड है, एडजंक्ट फैकल्टी हो कोई या फिर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो, ये शब्द याद रखना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो वो भी टीचर ही है, और विजिटिंग फैकल्टी हो। अब विजिटिंग फैकल्टी क्या होती है? वो ऐसी फैकल्टी होती है जो किसी और कॉलेज में एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, लेकिन वो एक दूसरे कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाने के लिए आया हुआ है, तो उसे विजिटिंग फैकल्टी कहते हैं। विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट टीचर में अंतर है, आप समझ गए होंगे। तो अब फोकस करो कि रेगुलेशन 3, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, रेगुलेशन 3 में क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, किसके उद्देश्य हैं? जो इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो जाएगा उसके क्या उद्देश्य होंगे, क्या तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है देखते हैं, लीडिंग टू एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। जो आप हायर एजुकेशन दोगे उसको एक्सीलेंसी और इनोवेशन की तरफ ले जाओगे। इनमें से सीधा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं रेगुलेशन 3 ऑब्जेक्टिव से। तो और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इंगेज इन इंटरडिसिप्लिनरी। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे कि ये ट्रेड्स ऑफ एजुकेशन होती हैं, आप समझ गए होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैकेनिकल या सोशियोलॉजी, तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है आपस में उनका मेल समावेश। जैसे एक अब इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का एग्जांपल देता हूँ,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये दो चीज़ें मिक्स हो गई ना, दो चार विषय से संबंधित एक ऐसा करिकुलम बना दिया जाए जो आपके एक नहीं दो तीन फील्ड को कवर करें, तो उन्हें कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी भी कहते हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी भी कहते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च भी। अच्छा, उसमें टीचिंग एंड रिसर्च करें इन एडिशन टू डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के साथ में। जो भी इंस्टीट्यूट को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा उसको इंटरडिसिप्लिनरी होना होगा, उसको ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे, हाई क्वालिटी टीचिंग देनी होगी, यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट को फोस्टर करना होगा, हर एक स्टूडेंट की योग्यताओं को यूनिक बनाने पे काम करना होगा, सेंसिटाइजिंग टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स, और पेरेंट्स को भी साथ में लेकर चलना होगा ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट की। मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन देनी होगी फैकल्टीज़ को, फैकल्टी को भी ट्रेंड करेंगे। रिसर्च एंड टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, ये शब्द याद रखना, इन्हीं शब्दों में से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये मल्टी मल्टी पढ़ लिया, होलिस्टिक एजुकेशन पढ़ लिया, ये इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनना होगा उसको, इंटेंसिव शब्द ध्यान रख लिया। फोकस करेंगे किस पे, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर बनाने होंगे, तो स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर को याद रखना। अब कैसे कैसे सेंटर उसको अपने अंदर बनाने होंगे इनको पढ़ो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, सेंटर इन फ्रंटायर एरियाज, ग्रेटर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज, इंडस्ट्री यानी उद्योग और एकेडमिक्स को भी लिंक होना चाहिए आपस में, ताकि उद्योग की क्या ज़रूरत है वो चीज़ आप एकेडमिक्स में ला के पढ़ा सको उनको, और एक बेहतरीन मैन पावर यूथ तैयार हो सके इन यूनिवर्सिटीज़ में। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करनी होगी ह्यूमैनिटीज़ में भी, यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी और सोशल साइंस के रिसर्च में भी, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा सा फोकस बनाए रखा करो क्या चल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, इस शब्द को भी ध्यान रखना कि क्या ये इनके उद्देश्यों में है, बिल्कुल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाना होगा, नई एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अडॉप्ट करना होगा, फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव करिकुलम तैयार करने हैं, क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इंक्लूड होंगे इसके अंदर करिकुलम के अंदर। अब नंबर चार में चलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा लेने वाला है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहला यानी चार का रेगुलेशन, चार का एक, ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए इसमें क्या है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि यह वाली बात कहाँ लिखी है, तो रेगुलेशन चार का एक उसका जवाब रहेगा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट उसको बनना होगा, सही एलिजिबिलिटी, मिनिमम 5 डिपार्टमेंट उसको चलाने होंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या इंटीग्रेटेड हो, या रिसर्च के कम्बिनेशन हो, या क्लस्टर, तो उसको अपने 5 डिपार्टमेंट चलाने होंगे। अब वो चाहे एक ही सेंटर पे चलाए या फिर ऑफ कैंपस चलाए, यानी क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन उसके पास है तो अलग अलग जगह पे हो, लेकिन 5 प्रोग्राम कम से कम हो, नहीं है तो भाई एलिजिबल नहीं है वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनने के लिए। इन द केस ऑफ क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन मे बी आइदर फ्रॉम द सेम स्पॉन्सरिंग बॉडी, सेम स्पॉन्सरिंग बॉडी से हो या डिफरेंट स्पॉन्सरिंग बॉडीज एक साथ मिलकर एप्लीकेशन डाल रही हो तो चल जाएगा। ईच इंस्टीट्यूशन सेल फुलफिल द एलिजिबिलिटी, चल जाएगा, लेकिन प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर ये जो क्लस्टर है डिफरेंट बॉडीज इसको चला रही हैं, क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब अलग अलग प्लेसेस पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और वो इकट्ठा होकर उनकी स्पॉन्सरिंग बॉडीज जो उनको चलाने वाले हैं वो इकट्ठा होकर बोलें कि हम एक साथ एकजुट होना चाह हो करके काम करेंगे, हमें डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन उसके लिए उनको एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरिंग बॉडी बनानी होगी, एक्सक्लूसिव शब्द पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और ये जो एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरिंग बॉडी बनेगी ये उस नाम से बनेगी जिस नाम को लेकर आप डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनना चाहते हो, एंड दैट स्पॉन्सरिंग बॉडी शैल सबमिट द एप्लीकेशन। और ये जो एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरिंग बॉडी है इसी के नाम से सबमिट होगी एप्लीकेशन, और जितने भी मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हैं वो सब ट्रांसफ़र माने जाएंगे किसमें, उस एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरिंग बॉडी में। मतलब वो पुराने छोटे छोटे जो अलग क्लस्टर थे उनका नाम ख़त्म हो जाना चाहिए, झगड़ा समाप्त हो जाना चाहिए, अब आप एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरिंग बॉडी हो। हैविंग वैलिड एक्रेडिएशन बाई NAAC, अब कुछ एक्रेडिएशंस यानी कुछ स्कोर्स आपको प्राप्त करने होंगे आपके इंस्टीट्यूट्स को,
ये ग्रेड्स देते हैं, ये NAAC वाले ग्रेड्स देते हैं, और ये ग्रेड कम से कम 3.01 यानी 3 ग्रेड है तो आप नहीं हो सकते, 3 से ऊपर ही ग्रेड आपको मिलनी चाहिए लगातार 3 साल कम से कम, यह लगातार 3 से ऊपर आपकी ग्रेड होनी चाहिए NAAC के द्वारा। रेगुलेशन 2 में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। NAAC का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिएशन काउंसिल, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। NBA नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिएशन, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि इस इंस्टीट्यूट ने समय रहते, जो टाइम रहता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल का, उस समय के रहते रहते अपनी एप्लीकेशन हर साल लगाई हो कि हमको ग्रेडिंग दे दो। 2/3 ऑफ द एलिजिबल टेक्निकल प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं कम से कम 2/3, उनको एक्रेडिट किया गया हो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन से 3 साल के लिए, फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये लागू होता है। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनको NBA ग्रेड देगा, और जो नॉन टेक्निकल हैं उनको NAAC ग्रेड देगा। और वही चीज़ लागू होती है कि इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेशन समय रहते 3 सालों में भरी हो। ये एप्लीकेशन कौन सी, जो इन बोर्ड को NAAC को दी जा रही है रैंकिंग प्राप्त करने के लिए, और लगा हुआ है या तो, मतलब इन तीनों में से किसी की भी रैंकिंग या ग्रेडिंग आपने प्राप्त की हो। अब NIRF क्या देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप 50 में रहा हो फॉर 3 consecutive years तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पेसिफिक की बात की थी, तो स्पेसिफिक कैटेगरी वाला इंस्टीट्यूशन है तो फिर NIRF की रैंकिंग में टॉप 50 में रहना ज़रूरी है 3 साल तक। अगर नॉन स्पेसिफिक है तब टॉप 100 तक रहना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, और पोजेस एकेडमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, और जैसा कि कमीशन ने स्पेसिफाइड किया है वैसा होना चाहिए, और द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जिस स्टैट्यूटरी बॉडी से मान्यता लेकर अभी तक आप चल रहे थे उसकी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वैसा भी होना चाहिए, या फिर कमीशन ने जैसा बताया वैसा होना चाहिए। हैव ओबटेंड द अप्रूवल ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफर कर रहा है यह इंस्टीट्यूट, वो कोर्सेज अप्रूव्ड होने चाहिए रेलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा। जिस समय आप एप्लीकेशन दे रहे हो UGC को, उस समय वो कोर्सेज पहले से अप्रूव्ड होने चाहिए। टीचर स्टूडेंट का रेशियो 1:20 होना चाहिए। दूसरी बात ये कि टोटल जो टीचर्स हैं वो 150 से ज़्यादा होने चाहिए। अब स्टूडेंट की बात करें तो 3000 स्टूडेंट्स कम से कम उस इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, अंडर द रेगुलर क्लासरूम मोड में होने चाहिए। उनको नहीं जोड़ोगे जो डिस्टेंस या ओपन वाले हैं, रेगुलर वाले स्टूडेंट मिनिमम 3000 होने चाहिए। और ये जो स्टूडेंट आपके पास हैं, इन स्टूडेंट्स में से 1/5 स्टूडेंट्स या 1/5 जो स्टूडेंट हैं कम से कम वो पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च में पढ़ने वाले होने चाहिए। ये इसके अलावा आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, लाइब्रेरी, लेक्चरर हॉल्स, लैब्स, हॉस्टल, हेल्थ केयर और कॉमन फैसिलिटीज, रिक्रेशनल यानी मनोरंजन की फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में। अगर ये सभी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होती हैं तब ही आपकी एप्लीकेशन मान ली जाएगी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए। और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है जो सेक्शन 2 ऑफ़ द एक्ट, UGC 1956 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 में जो यूनिवर्सिटीज़ बताई गई हैं वो एलिजिबल नहीं हैं डिक्लेयर्ड होने के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड होने के लिए एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन, इस एक्ट, उस एक्ट के, UGC एक्ट के सेक्शन 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। और वहाँ पर सेक्शन 2 में क्या लिखा है, वहाँ पर सेक्शन 2 में लिखा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ खुद पार्लियामेंट ने या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने सीधी बना दी हो, वो सीधा ही उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, उनको सेक्शन 2 में रखा गया है। तो सेक्शन 2 की कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेगी, ये तो साधारण सी बात है। और सेक्शन 3 में क्या लिखा है
कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा यूजीसी देगा, अपनी सलाह रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूट को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी। कॉर्पस फंड पढ़ करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे पूरी ये जो रेगुलेशन की वीडियो है बनती जाएंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कॉर्पस फंड के बारे में बताया गया है, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट फंड नहीं करती है उसको 25 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बना करके रखना होगा। मतलब आप इतने रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करके रखिए, ये कॉर्पस बनाना ही होगा। या फिर एज डिसाइडेड बाय द कमीशन, समय समय पर कमीशन जो डिसाइड करे इस कॉर्पस को बढ़ाए घटाए, वो कॉर्पस आपको बनाना ही होगा। शैल बी क्रिएटेड एंड मेंटेन इन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, उसी के नाम पर जो भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनने वाली है उसी के नाम पर ये कॉर्पस रखा जाएगा। मेन स्पॉन्सरिंग बॉडी के जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इस कॉर्पस पे जो इंटरेस्ट इकट्ठा होगा वो केवल डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, यानी उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए ही उस इंटरेस्ट को पैसे को यूज किया जाएगा, लेकिन कॉर्पस के पैसे को यूज नहीं करना। इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट कर सकता है इस कॉर्पस फंड को किसी भी स्कीम में अपनी मर्जी से, लेकिन इसको यूज नहीं करेगा। इन्वेस्ट कर लेगा, उसका इंटरेस्ट भी यूज कर लेगा, लेकिन यह कॉर्पस सेफ रखेगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।